यूपी के बुलंदशहर में 11 और 18 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स डोर टू डोर मतदाताओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी। सीडीओ ने विकास भवन से इस अभियान की शुरुआत की। मैम, आज ये बहुत सारी महिलाएं कलेक्ट्रेट में आगे झंडा बैनर लेकर यहाँ जमा हुई है, ये क्या पूरा मामला? और हाथ में एक लाल रंग का कलावा बांध रहे हैं आप लोग, ये पूरा क्या मसला है? एक्चुअली ये 18 और 11 अप्रैल को हमारे यहाँ जो लोकसभा वाला इलेक्शन होने वाला है जी, उसके लिए मतदाता को जागरूक करने के लिए एक रैली निकालने के लिए बाल विकास विभाग की तरफ से निर्देश दिए जिलाधिकारी महोदय के। तो आज जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा विकास भवन से हरी झंडी दिखा के इस रैली का शुभारंभ किया गया और कलेक्ट्रेट तक आके इसका समापन हुआ। अब इन महिलाओं को वहाँ सीडीओ साहब ने ये धागा बांध के शपथ दिलवाई है सांकेतिक रूप से कि आप घर घर जाके ये कलावा महिलाओं को या गांव में जो भी मतदाता है उनको बांधेंगे, वो जागरूक रहेंगे। अगर जब भी वो देखेंगे इसको तो उनको याद रहेगा कि 18 अप्रैल को हमें वोट डालना है, वोट डालने के बाद वो उसको खोल पाएंगे। मतलब एक तरह का रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र है वोट के लिए। मतलब उनको ये है कि आप इसको देखे उनको वोट की याद आएगी और उन्होंने हमने एक उसमें कसम में बांध दिया है कि जब तक आप वोट नहीं डालेंगे ये कलावा आपकी कलाई से नहीं खुलेगा। थैंक यू।